क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी भी वारदात हुई है जिसने पूरे हैदराबाद को झकझोर कर रख दिया था। आज की कहानी एक ऐसे कांड के बारे में है जिसमें हवस की आग ने एक बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक घटना को अंजाम दे दिया। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट प्रियंका रेड्डी केस। ये कहानी शुरू होती है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से। हैदराबाद के मेन सिटी से करीब 50 किलोमीटर दूर एक जगह है शादनगर। इसी टाउन में एक वेटरिनरी डॉक्टर रहती थी, यानी कि जानवरों की डॉक्टर रहती थी, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी। इनकी उम्र करीब 27 साल थी। वैसे तो इनका घर शादनगर में था, लेकिन ये अपने घर से करीब 30 किलोमीटर दूर शामसाबाद नाम की जगह पर जाती थी ड्यूटी करने के लिए, यानी इनका क्लिनिक शामसाबाद में था। इनके पास एक स्कूटी थी, ये इससे ही आती जाती थी। इनके घर से क्लिनिक के बीच में एक टोल नाका पड़ता है, टोंडुपल्ली टोल प्लाजा। चूंकि डॉक्टर के लिए घर से क्लिनिक की दूरी बहुत ज्यादा थी, इनको एक स्कूटी से इतनी दूर तक आने में दिक्कत होती थी, इसलिए ये अपनी स्कूटी को टोंडुपल्ली टोल प्लाजा के पास वाले पार्किंग में पार्क कर देती थी और बाकी की दूरी किसी टैक्सी या कैब से तय करती थी। यही इनका रोज का रूटीन था, घर से टोल प्लाजा जाना, फिर यहाँ से कैब या टैक्सी लेकर के क्लिनिक पर जाना। अब आती है एक तारीख, 27 नवंबर 2019। ये भी एक आम दिन था। प्रियंका रोजमर्रा की तरह अपने रूटीन को फॉलो करती हैं। घर से स्कूटी चलाकर ये टोंडुपल्ली टोल प्लाजा पर पहुंची और वहां के पार्किंग ग्राउंड में अपनी स्कूटी को पार्क कर दिया। फिर ये यहां से कैब बुक करके अपने क्लिनिक पर जाती हैं। यहां पर इन्होंने पूरा दिन काम किया, अपनी ड्यूटी निभाई। ड्यूटी खत्म होने के बाद इनका एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अपॉइंटमेंट था। इन्हें किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम थी, इसलिए इन्हें स्किन के डॉक्टर से मिलना था। शाम के टाइम पर इनका अपॉइंटमेंट था। ड्यूटी खत्म होने के बाद ये उन स्किन के डॉक्टर से मिलती हैं, अपना चेकअप कराती हैं। यही सब कराने धराने में इनको रात के 9 बज गए। घर वालों को ये पता था कि प्रियंका ड्यूटी के बाद स्किन डॉक्टर के पास जाएंगी, इसलिए उन्हें कोई भी चिंता नहीं थी। और चिंता करे भी क्यों, बेटी तेज तर्रार थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी, अपना सारा काम खुद से कर लेती थी, परेशान होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो रात के 9:18 पर प्रियंका कैब से टोल प्लाजा पर आती हैं। यहाँ से इनको अपनी स्कूटी लेकर के घर जाना था। टोल नाके पर आकर इन्होंने देखा कि इनकी स्कूटी के पिछले टायर में बिल्कुल भी हवा नहीं है, टायर पंक्चर है। रात काफ़ी हो चुकी थी, केवल ट्रक ही उस हाईवे से गुजर रहे थे। इन्होंने अपनी स्कूटी को एक ट्रक के पीछे खड़ा किया हुआ था। ये वहाँ पर अकेली लड़की थी, आसपास केवल आदमी सब थे, ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर्स थे। सभी लोग इस अकेली लड़की को घूर रहे थे। अब प्रियंका को ये देखकर थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। ये अपनी स्कूटी के पास परेशान खड़ी थी। इतने में एक ट्रक ड्राइवर 26 साल का मोहम्मद आरिफ प्रियंका के पास आता है एक अकेली लड़की की मदद करने के लिए। प्रियंका इसकी नज़रों को पहचान जाती हैं कि ये मदद के लिए नहीं आया है, कुछ गलत कर सकता है। प्रियंका इसको मना कर देती हैं कि मुझे कोई भी मदद नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके ही ट्रक के पीछे प्रियंका अपनी स्कूटी को खड़ी की हुई थी। प्रियंका को थोड़ा डर लगने लगा था, इसलिए 9:22 तक इसने अपनी बहन को फोन किया और उसको सारी चीजें बताई कि स्कूटी पंक्चर है, रात काफी हो चुकी है, कोई मदद के लिए दिख नहीं रहा है, सभी लोग मुझे ही घूर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। बहन कहती है कि तुम स्कूटी को वहीं पर छोड़ दो और किसी से लिफ्ट लेकर के घर चली आओ। ये कहती है कि यहाँ से केवल ट्रक और लॉरी ही गुजर रहे हैं, अगर कोई फैमिली गाड़ी गुजरती तो मैं मदद ले पाती, और मैं स्कूटी को यहाँ पर कैसे छोड़ दूँ, कल वापस इधर कैसे आऊँगी, और अगर रात भर में मेरी स्कूटी को किसी ने चोरी कर लिया तो मैं क्या करूँगी। आम तौर पर एक मिडिल क्लास का इंसान यही सोचेगा कि अपनी गाड़ी को एक सुनसान इलाके में कैसे छोड़ सकते हैं, और यही चीज़ प्रियंका ने सोची। लूटपाट से ज़्यादा का बुरा ख्याल प्रियंका के मन में नहीं आता है, इसलिए ये वहीं पर रुकी रहती है। पहली बार जो आदमी मदद करने के लिए आया था, उसके जाने के बाद दूसरा लड़का प्रियंका की मदद करने के लिए आता है। इसका नाम था जोलू शिवा। ये अकेली लड़की के पास जाता है, उससे बात करता है, थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। ये उस लड़की से स्कूटी को लेता है और पंक्चर की दुकान पर चला जाता है उसे ठीक कराने के लिए। थोड़ी देर के बाद ये वापस से प्रियंका के पास आता है और कहता है कि पंक्चर की दुकान बंद है, आगे एक और दुकान है, वो शायद खुली होगी लेकिन वो थोड़ी दूर है, स्कूटी को ट्रक में ले जाना पड़ेगा। प्रियंका मना कर देती है। इसके बाद जोलू शिवा वहां से चला जाता है। जब जोलू शिवा मदद करने के लिए आया तो प्रियंका अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी। जो जो बातें जोलू शिवा कह रहा था फोन पर बहन भी सुन रही थी।
जब ये स्कूटी को ठीक कराने के लिए ले गया, प्रियंका अपनी बहन से कहती है कि तुम फोन मत काटना, कुछ न कुछ बात करती रहना, ताकि इसे अकेलापन ना लगे और डर भी कम लगे। 9:22 पर प्रियंका ने अपनी बहन को फोन किया था। 9:44 तक फोन कट गया। थोड़ी देर के बाद बहन वापस से प्रियंका को फोन करती हैं, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ बता रहा था। बहन ने सोचा कि प्रियंका के फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी और वो कैब लेकर के घर आ जाएंगी। धीरे धीरे 2 घंटे बीत गए, लेकिन प्रियंका घर नहीं पहुंची। घर वालों को ये तो पता था कि बेटी इस टोल प्लाजा पर रुकी हुई है। जब इनसे रहा नहीं गया तो ये लोग अपनी गाड़ी से इस टोल प्लाजा पर जाते हैं। प्रियंका एक फिक्स जगह पर अपनी स्कूटी को पार्क किया करती थी। चूंकि प्रियंका अपनी स्कूटी को रोज इसी जगह पर पार्क करती थी, तो धीरे धीरे ये जगह प्रियंका के लिए फिक्स हो गई थी। अब जब घर वाले टोल प्लाजा पर आकर पार्किंग वाली जगह पर जाकर देखते हैं, तो वहां पर ना प्रियंका थी और ना ही स्कूटी थी। इनकी चिंता अब डर में बदल गई। ये आसपास के लोगों से पूछते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। अब छोटी बहन बहुत घबराने लगी थी और अब ये भागकर सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है। रात के करीब 12 बज चुके थे। सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन था साइबराबाद पुलिस स्टेशन। अब यहाँ से एक बहुत ही शर्मनाक खेल शुरू होता है। पुलिस पूछती है कि आपकी बहन एग्जैक्टली कहाँ पर थी। बहन पूरा एड्रेस बताती है। पुलिस कहती है कि ये एरिया हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आप शामसाबाद पुलिस स्टेशन में जाकर पता कीजिए। ये एरिया का गेम बहुत ही पुराना है और ये चीज इलीगल भी है। कानून कहता है कि पहले लोगों की मदद करो, बाद में अपना एरिया देखो। यहाँ प्रियंका की बहन बहुत परेशान थी। ये भागी भागी जाती है शामसाबाद पुलिस स्टेशन। यहाँ पर रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए सारी कहानी बताती है कि मेरी बहन टोंडूपल्ली टोल प्लाजा पर अकेली थी, उसकी स्कूटी पंक्चर थी, उसने मुझसे करीब 20 मिनट तक बात किया था, उसके बाद फोन कट हो गया। थोड़ी देर के बाद जब मैंने वापस से फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ बताने लगा। 2 घंटों तक हमने उसके घर आने का वेट किया, लेकिन वो घर पर नहीं आई। जब हमने टोल प्लाजा पर आकर देखा तो वो वहां पर नहीं थी, उसकी स्कूटी भी गायब थी। आप जल्दी से कुछ कीजिए, उसे ढूंढिए। पुलिस इसके साथ स्पॉट पर पहुंचती है जहां से प्रियंका गायब हुई थी। ये लोग भी इस केस को सीरियस नहीं ले रहे थे, केवल तसल्ली के लिए ही इन्होंने इधर उधर ढूंढा, आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन प्रियंका का कुछ भी पता नहीं चला। घर वाले घबराए हुए थे। इन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी प्रियंका के बारे में बता दिया। सभी लोग बारी बारी से प्रियंका को कॉल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ था। पुलिस भी अपनी छानबीन कर रही थी, इधर उधर पूछताछ कर रही थी, लेकिन इनको भी कोई सुराग नहीं मिला। रात भर लोग प्रियंका को ढूंढते रहे, लेकिन वो नहीं मिली। 28 नवंबर 2019 की सुबह होती है। इस टोल प्लाजा से कुछ किलोमीटर दूर एक जगह है, चटनपल्ली। ये शादनगर का एक बाहरी इलाका है। यहाँ से एक फ्लाई ओवर निकल रहा था जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में था। चटनपल्ली गांव के एक दूध वाले इस फ्लाई ओवर के नीचे से गुजर रहे थे। साइड में इन्होंने देखा कि कुछ जला हुआ पड़ा है। ये पास जाकर देखते हैं, वहां पर एक लाश थी जो जल चुकी थी। इन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। शामसाबाद पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। पुलिस स्पॉट पर पहुंचती है। लाश पूरी तरह से जल चुकी थी, पहचानने लायक नहीं थी। पुलिस को लाश के पास से आधा जला हुआ दुपट्टा और गणेश जी का लॉकेट मिलता है। प्रियंका की बहन ने रिपोर्ट लिखाते समय ही शामसाबाद पुलिस को प्रियंका का हुलिया बता दिया था। पुलिस जब दुपट्टे को और लॉकेट को देखती है तो इन्हें कुछ शक होता है। इन्होंने तुरंत प्रियंका के घर वालों को फोन कर दिया और चटनपल्ली अंडर पास पर बुला लिया। घर वाले यहाँ पर आते हैं। बहन ने मिली हुई चीजों से प्रियंका को पहचान लिया। ये लाश प्रियंका की थी। पुलिस को आगे एहसास होता है कि ये मामला कितना सीरियस है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसमें पता चलता है कि इनके साथ गैंग रेप हुआ है और गला घुटने से इनकी मौत हो गई। बाद में बॉडी को मिट्टी के तेल से यानी कि केरोसिन ऑयल में जला दिया गया। जब ये खबर पब्लिक में आई तो पूरे हैदराबाद में हड़कंप मच गया। लोग सड़कों पर उतर चुके थे, दोषियों को पकड़ने की नारेबाजी करने लगे थे, कैंडल मार्च निकलने लगा। ये खबर धीरे धीरे हैदराबाद से पूरे देश में फैल गया। देश के अलग अलग कोने में लोग प्रदर्शन करने लगे, सड़क जाम करने लगे, प्रियंका के लिए न्याय की मांग करने लगे। हैदराबाद पुलिस को अब एहसास हुआ कि मामला कितना बड़ा है। पुलिस अब हरकत में आती है, अपनी पूरी ताकत लगा करके उन क्रिमिनल्स तक पहुंचने की कोशिश करती है। टोल प्लाजा के सारे सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाले जाते हैं। रास्ते में जितने भी पेट्रोल पंप थे उनके भी सीसीटीवी फुटेज देखे जाते हैं। पुलिस को पता चल गया कि ये लोग कौन हैं। ये ट्रक ड्राइवर और उसके साथी थे। पुलिस को ट्रक का नंबर भी पता चल गया, क्योंकि ये ट्रक 26 नवंबर से उसी पार्किंग ग्राउंड में पार्क था।
नंबर के जरिए ट्रक के मालिक के बारे में पता चलता है और मालिक ने उस ट्रक चलाने वाले के बारे में बता दिया कि इस डेट को इस ड्राइवर के पास इनका ट्रक था। पुलिस इस ड्राइवर तक पहुंचती है। ड्राइवर का नाम था मोहम्मद आरिफ। पुलिस इसको पकड़ती है। इसके जरिए तीन और लोग पकड़े जाते हैं, जोलू शिवा, जोलू नवीन और चिंता कुंता। 27 नवंबर को सारा कांड हुआ। 28 नवंबर को बॉडी मिलती है और पुलिस सीरियस होकर के अपराधियों का पता लगाती है। 29 नवंबर तक चारों मेन अपराधी पकड़े जाते हैं। प्रियंका के घर वालों का कहना था कि अगर उस रात को ही पुलिस ने एरिया की लड़ाई को छोड़ करके मामले को सीरियस लिया होता तो शायद आज प्रियंका जिंदा होती। पुलिस चारों अपराधियों को सीधे कोर्ट लेकर जाती है, फिर यहाँ से शामसाबाद पुलिस स्टेशन ले जाती है। लेकिन इस समय तक ये बात फैल चुकी थी कि अपराधी पकड़े गए हैं और इनको शामसाबाद पुलिस स्टेशन लाया जा रहा है। लोगों ने इस पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया। लोग इतने गुस्से में थे कि अगर चारों अपराधी यहाँ पर लाए गए तो कितने भी पुलिस वाले उनकी सुरक्षा कर लें, लेकिन पब्लिक उन अपराधियों को मार डालेगी। पुलिस को उन चारों की सुरक्षा भी करनी थी, इसलिए ये लोग कोर्ट से परमिशन लेकर के स्पॉट से करीब 90 किलोमीटर दूर चेरलापल्ली जेल जाते हैं और अपराधियों को वहीं पर बंद कर देते हैं। इनसे पूछताछ नहीं होती है, पुलिस आगे अपनी छानबीन करती है जहां से प्रियंका गायब हुई थी और जहां पर उसे जलाया गया था। स्पॉट से पुलिस को एक मोबाइल, घड़ी और एक डेटा बैंक मिलता है। इन्हें लेबोरेटरी में भेज दिया गया फॉरेंसिक जांच के लिए। 2 दिसंबर को पुलिस कोर्ट से परमिशन लेती है उन चारों से पूछताछ करने की। पुलिस को 10 दिनों की परमिशन मिलती है उनको कस्टडी में रखने की। 4 दिसंबर से पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ के दौरान इन चारों से एक कहानी पता चलती है जो भी इन्होंने प्रियंका के साथ किया। 26 नवंबर को ये चारों ट्रक लेकर के टोंडूपल्ली टोल प्लाजा पर आए थे। इनको अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं मिला था कि कहां से माल को उठाकर कहां ले जाना है, इसलिए ये लोग टोल प्लाजा के पार्किंग में रुके हुए थे। 27 नवंबर की शाम को 5 बजे प्रियंका अपनी स्कूटी से उस टोल प्लाजा के पार्किंग में आती है और इन्हीं चारों के ट्रक के पीछे ही स्कूटी को खड़ी कर देती है। ट्रक एक ही था और ये चारों साथ में थे। इसके बाद प्रियंका कैब से अपने क्लिनिक पर चली गई। जब उन चारों ने प्रियंका को देखा तो इन्होंने प्लान बना लिया उसके साथ गलत करने का। जब प्रियंका वहां से चली गई तो जोल्लू नवीन उसकी स्कूटी के पास जाता है और उसके पिछले वाले टायर को पंक्चर कर देता है। इसके बाद ये लोग प्रियंका के वहां आने का वेट करते हैं। इंतजार करने के दौरान इन्होंने खूब शराब पिया। जब तक वो लड़की यहां पर आई तब तक ये लोग 1.5 बोतल शराब पी चुके थे। इसके बाद ही आरिफ प्रियंका की हेल्प के लिए जाता है। जब वो मना कर देती है तो जोल्लू शिवा हेल्प के लिए आता है। ये लड़का स्कूटी को पंक्चर की दुकान पर ले जाने का नाटक करता है। इसके बाद जब प्रियंका ने इससे आगे की मदद लेने से मना कर दिया तो ये लड़का वहां से चला गया। इसी दौरान प्रियंका फोन पर बात कर रही थी अपनी बहन से। 9:44 तक फोन कट हो गया। आसपास लोग भी कम होने लगे थे। इन चारों को लगा कि यही मौका है। इन लोगों ने वहीं पर लड़की का गैंग रेप किया। जब वो मदद के लिए चिल्लाने लगी तो इन्होंने उसको जबरदस्ती शराब पिलाई और मुंह में कपड़ा ठूस दिया। जब सबका काम हो गया तो इन्होंने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। अब बॉडी को ठिकाने भी लगाना था। इन्होंने बॉडी को कंबल में लपेट करके ट्रक के पिछले वाले हिस्से में रख दिया। 2 लोग ट्रक में थे और 2 लोग उस पंक्चर स्कूटी को चला रहे थे। ट्रक से दोनों लोग बॉडी को एक सुनसान इलाके में ले गए। इधर इन स्कूटी को चलाने वालों का काम था कि पेट्रोल लेकर आए। जब इन चारों में से 2 पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए गए तो CCTV ने एक को कैप्चर कर लिया। पेट्रोल पंप पर काम कर रहे एम्प्लॉय ने पानी की बॉटल में पेट्रोल देने से मना कर दिया। इसके बाद ये लोग भी ट्रक के पीछे पीछे चल दिए। इनके पास एक स्टोव था जिसमें केरोसिन ऑयल से खाना बनाते हैं। ये उसमें से केरोसिन ऑयल को निकालते हैं और फ्लाईओवर के नीचे बॉडी को ले जाकर जला देते हैं। 5-10 मिनट तक ये वहीं पर रुकते हैं, फिर ये वहां से चले जाते हैं। बाद में पुलिस ने इनके बताए हुए जगह से प्रियंका की स्कूटी को भी बरामद कर लिया। इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट होता है क्राइम को रिक्रिएट करना, ताकि क्राइम को और भी डिटेल में समझा जा सके और सबूत कहां कहां से मिल सकता है ये भी पता कर सकें। इसलिए 5 दिसंबर को पुलिस रात के समय इन चारों को स्पॉट पर लेकर जाती है जहां पर इन्होंने अपराध को किया था। पुलिस इनको सुबह में ले जाती, लेकिन लोगों की भीड़ को काबू करना बहुत मुश्किल होता और सही से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो पाती, इसलिए 5 दिसंबर की रात में पुलिस इन्हें स्पॉट पर लेकर जाती है। पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया, क्राइम को रिक्रिएट किया गया, कैसे कैसे इन्होंने कांड को अंजाम दिया था। इन्हीं सब में 6 दिसंबर की सुबह हो गई। सुबह क्या, भोर का समय था, 4:30 या 5 बज रहे थे।
चटनपल्ली गांव में जहां इन्होंने बॉडी को ठिकाने लगाया था। यहां चारों अपराधियों में से आरिफ और चिंता कुंता ने पुलिस की पिस्टल को छीन लिया और गोलियां चलाने लगे, पुलिस को डराने धमकाने लगे। बाकी के दो लड़कों ने जमीन से डंडा और पत्थर उठा लिया और पुलिस वालों पर हमला करने लगे। इनके पास मौका था, ये लोग मैदान की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। पुलिस इनको बोल रही थी कि सरेंडर कर दो। इन चारों के चक्कर में दो पुलिस वाले भी घायल हो चुके थे। जब पुलिस को लगा कि ये रुकने वाले नहीं हैं, तो इन्होंने अपनी पिस्टल निकाली और उन चारों का इनकाउंटर कर दिया। गोलियों की आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। लोग अपना काम धाम छोड़ करके स्पॉट पर आने लगे, जिसके बाद हल्ला हो गया कि चारों अपराधी इनकाउंटर में मारे गए। इस न्यूज से लोग बहुत खुश होते हैं। जगह जगह पर पुलिस के ऊपर फूल बरसाया जाता है, मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। आधे लोग तो पुलिस की तारीफ कर रहे थे, लेकिन आधे बोल रहे थे कि पब्लिक के प्रेशर की वजह से पुलिस ने उन चारों को प्लान करके इनकाउंटर कर दिया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था जो ऐसा ही हो गया। लेकिन जो भी हो, 10 दिनों के अंदर अंदर प्रियंका को इंसाफ मिल गया। तो कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।